प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक अजमाया हुआ उपाय। यदि आपकी शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आप अच्छे से समझ लें। यदि आप ये उपाय सोमवार अष्टमी के दिन कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके शुभ विवाह के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि किसी कारण से बच्चे खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार देरी होती रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगा, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आपकी उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप इन समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आपने ये उपाय सोमवार अष्टमी के दिन जरूर करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कैसे करना है, कब करना है और ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। ये उपाय आपने सोमवार अष्टमी के दिन करना है। सोमवार के दिन अष्टमी का आना कोई सामान्य बात नहीं है। साल में मुश्किल से 3 से 4 सोमवार अष्टमी आती है। सोमवार अष्टमी का जो दिन होता है वो शंकर भगवान और माँ पार्वती के मिलन का दिन होता है। तो अपने आप में ये जो योग बनता है बड़ा ही दुर्लभ योग बन जाता है। यदि इस योग में आप मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर लेते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होगा। इसका जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलेगा। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास एक पान का पत्ता होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता होना चाहिए, कटा फटा नहीं चलेगा। और क्या होना चाहिए? थोड़ा सा आपके पास जीरा होना चाहिए। अब जीरा क्या होता है? रसोई घर में जो हम यूज करते हैं खाना बनाते समय, उसी जीरे की मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा जीरा आपने ले लेना है। और आपके पास क्या होना चाहिए? और आपके पास थोड़ी सी हल्दी होनी चाहिए। जो खाना बनाने में हम यूज करते हैं रसोई घर में हल्दी, उसी हल्दी की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इन चीज़ों पर इतना जोर लगाकर क्यों बोल रहा हूँ, क्यों एक एक चीज़ बारीकी से आपको बता रहा हूँ? क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो में पनीर का जिक्र किया था। पनीर क्या होते हैं आप समझते हैं, सब्जी बनाने में जो यूज किया जाता है पनीर, दूध से बनाया जाता है। तो एक मेरे प्यारे दर्शक का मेरे पास कॉल आया कि सर ये पनीर क्या होता है। मैंने सोचा कि आपको पनीर ही नहीं पता क्या होता है। वो बोला नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा कि पनीर की सब्जी आपने कभी खाई है? तो उन्होंने कहा वो आप उस पनीर की बात कर रहे हो।
मैंने बोला कि मैं उसी पनीर की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। जीरा और हल्दी जो रसोई घर में हम प्रयोग करते हैं खाना बनाते समय, उसी जीरे की मैं बात कर रहा हूं, उसी हल्दी की मैं बात कर रहा हूं। तो ये तीन चीजें आपके पास हो गई, एक पान का पत्ता, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जीरा। ये जो हल्दी है इसको आप एक कटोरी में ले लीजिए और पानी में भिगो लीजिए, इसका एक पेस्ट बना लीजिए। अब ये तीनों चीजें लेकर के आप शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जाने के बाद वहां पर जाकर के बैठ जाइए जहां पर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है। सबसे पहले आपने इस हल्दी से तीन तिलक लगाने हैं। ये तिलक कहाँ लगाने हैं? ये तिलक आपने अशोक सुंदरी पर लगाने हैं। अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है? मैंने पहले भी मेरी सारी वीडियो में बताया है, अब भी बता देता हूं और स्क्रीन पर मैं फोटो भी दिखा देता हूं। इस फोटो में आप देख लीजिए, ये होता है अशोक सुंदरी का स्थान। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जहां से नीचे गिरता है तो रास्ते में आती है अशोक सुंदरी, एक मोटी सी लाइन सर्प आकार की, वही अशोक सुंदरी होती है। तो आपने इसी अशोक सुंदरी पर हल्दी से तीन तिलक कर देने हैं। उसके बाद इस पान के पत्ते में आपने जीरा रखना है। जो जीरा आप अपने साथ लेकर के गए हैं वो जीरा इस पान के पत्ते में रख लीजिए और इस पान के पत्ते को फोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद ये पान का पत्ता भी वहीं पर रख दीजिए जहां पर आपने तीन तिलक किए हैं अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। बड़ा ही आसान सा मंत्र है, आप 2 से 3 बार इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। मंत्र क्या है? ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः है। तो इस मंत्र का जाप आपने करना है 108 बार। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं और 108 बार इस मंत्र का जाप आपने कर देना है। यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो केवल और केवल 11 बार इस मंत्र का जाप कर दीजिए। इतना सुंदर योग बन रहा है, शंकर भगवान और माँ पार्वती के मिलन का श्रेष्ठ दिन बताया गया है। इस दिन ये छोटा सा उपाय यदि आप कर लेते हैं तो विवाह से संबंधित चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में चली हुई है, जन्म कुंडली में चाहे कितने भी बुरे दुर्योग क्यों न बने हो, उन सब से आपको राहत मिलेगी और जल्द से जल्द शादी के लिए अच्छा रिश्ता आएगा। ये उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं कि बच्चे खुद भी कर सकते हैं और बच्चे खुद ना करना चाहें तो माता पिता भी कर सकते हैं। विधि विधान तरीका यही रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने मंत्र का जाप करने के बाद अपनी मनोकामना का चिंतन करना है और भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, माँ पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माँ पार्वती, हे भोलेनाथ, हम पर कृपा करो, हम आपके चरणों में हैं, हमारी जो मनोकामना है आप उसको पूर्ण करो। हमारे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, उस देरी से हमारा पीछा छुड़ाओ और कोई ऐसा चमत्कार करो कि हमारे बच्चों की शादी के लिए जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा रिश्ता आ जाए और वो फिक्स हो जाए। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है और अपने घर को चले आना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से दुर्योग बन गए हैं जिनकी वजह से विवाह में लगातार देरी होती रहती है, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के कौन से उपाय बनते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं, अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस पे करके आप मुझसे सहायता पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।